एक वन था, उसमें एक कुआं था। उस कुएं के पास चार बंदर रहते थे। उनमें से एक की आंखें बहुत बड़ी थी, एक के कान बहुत बड़े थे, एक के हाथ बहुत लंबे थे, तो एक की पूंछ बहुत लंबी थी। चारों बंदर बहुत शरारती थे। वे कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते तथा उछल कूद करते रहते थे। एक बार वे कुएं के पास खेल रहे थे। आकाश में पूनम का चांद निकला हुआ था। उसकी परछाई कुएं में पड़ रही थी। कुएं में चांद की परछाई देखकर बड़ी आंखों वाले बंदर ने कहा, देखो देखो, चांद कुएं में गिर गया। बाकी तीनों बंदर भी कुएं में चांद की परछाई देखकर चिल्लाने लगे, चांद कुएं में गिर गया, चांद कुएं में गिर गया। तभी लंबे हाथ वाला बंदर बोला, आओ चांद को कुएं से निकाल दें। लंबी पूंछ वाला बंदर बोला, मैं अपनी पूंछ को पेड़ से लपेटकर उल्टा लटक जाता हूँ। मैं अपने पैरों को इसके हाथों में पकड़ाकर लटक जाता हूँ। बड़ी आंखों वाला बंदर लंबे कान वाले बंदर के हाथों में अपने पैर पकड़ाकर लटक गया तथा लंबे हाथ वाले बंदर ने उसके हाथों में अपने पैर पकड़ा दिए। अब अपने लंबे हाथों से वह चांद को कुएं से निकालने लगा, मगर पानी के हिलने से चांद इधर उधर हो जाता और उसके हाथ में नहीं आता। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं चांद को ऊपर आकाश की ओर उछाल दूं। पानी उछालते उछालते उसकी नजर आकाश में गई। वहां चांद को देखकर वह खुशी से चिल्लाया, देखो मैंने चांद को आकाश में पहुंचा दिया। सभी खुशी से आकाश में देखने लगे और जोर से ताली बजाने लगे। इतने में सभी बंदरों के हाथ छूट गए और सब कुएं में गिर गए। कोई काम करने से पहले अच्छी तरह से सोचना समझना आवश्यक है। कुछ बच्चे अपनी समझ से कई बार कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन ना समझी से उसका परिणाम बुरा हो जाता है। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? कोई भी काम करने से पहले उसे ठीक से समझ लेना आवश्यक है।